जनाब आपने आम पापड़ तो बहुत खाए होंगे, लेकिन अमृतसर में मिलती है आम पापड़ वाली चाट। हम लोग आए हैं लुभाया राम पे, जो कि लॉरेंस रोड पे है। बहुत ही फेमस दुकान है, बहुत ही पुरानी दुकान है। तो आज आपको अमृतसर का ये बहुत ही स्पेशल जायका दिखाएंगे, तो वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स गो। नमस्कार सर। अच्छा, आप यू आर द थर्ड जनरेशन, राइट? यस। ठीक है, तो पहले तो हमें बताइए कब शुरुआत हुई थी, किन्होंने शुरुआत की? एक्चुअली सर, ये जो हमारा आउटलेट है, ये एक छोटी सी कार्ट से स्टार्ट हुआ है, एक रेडी से जो हमारी बाहर है। ये सर दादाजी ने शुरू किया है आम पापड़ का काम, तो वहाँ से होते 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 धीरे 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 धीरे, जैसे ट्रेन चलती है, धीरे 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 हम पटरी पर आ रहे हैं, रेडी से हम दुकानों पर आ गए। गुरु रामदास जी और महामाई की मेहर है कि अभी वो हमको थोड़ा सा टेस्ट दे रहे हैं कि जो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये इमली का पेड़ा आएगा, आम पापड़ का पेड़ा आएगा, ठीक है, साथ में ये खट्टे वाला स्ट्रिप्स वाला आम पापड़ है, ठीक है, ये मीठा स्ट्रिप्स वाला आम पापड़ है, ये चूरन की गोलियां है सारी, ओके, और साथ में ये हम माउथ फ्रेशनर देते हैं जो हमारे खुद रेडी होते हैं, ठीक है, और मीठा आम पापड़ है, ये पान कैंडी, साथ में ये स्टिक है, आम पापड़ का मिश्रण है, ये हाजमे के लिए बहुत बढ़िया चीज है, डाइजेशन के लिए। मतलब काफी तरह की वैरायटीज है, मैं देख पा रहा हूँ 30-40 तरह की आपने ये यहाँ पे भी पूरी वैरायटीज लगा रखी है। ये हमारे किंग्स ऑफ आम पापड़ है सर। ओके, ये खट्टा आम पापड़ है और एक ये मीठा आम पापड़ है। अच्छा। खट्टा मीठा जिसको हम बोलेंगे, ये तो किंग है। अच्छा, ये कलकत्ती आम पापड़ है जी, ये पूर्वी आम पापड़ है, बहुत बढ़िया है। ये वो आम पापड़ है जो पूर्वी आम पापड़ होता है हमारा, जो खट्टा मीठा है, ड्राई आम पापड़, खट्टा मीठा। इसका टेस्ट लाजवाब है जी, इसके जैसा टेस्ट किसी का नहीं। ठीक है, तो ये बनता कैसे, कैसे तैयार होता है ये? ये सर मैंगो के पल्प को सुखा के ड्राई करके, ये देखो जैसे ड्राई फ्रूट होता है वैसे इसको सुखा के सनलाइट में प्रॉपर जो नेचुरल तरीके से सुखा के इसको तैयार किया जाता है। ये हमारी सबसे बढ़िया स्पेशलिटी है जी, ये देखो ये है अनारदाने का चूरन जो डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। ये टेस्ट कीजिए जॉन भैया, एक चम्मच और दे दो। तो यहाँ पे आम पापड़ का बुफे लगा हुआ है और सब लोग यहाँ पे बारी बारी ट्राई कर रहे हैं। सो हाउ इज द टेस्ट? Perfect, awesome. ये बेटा टेस्ट किया, ये खट्टा मीठा होता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। टेस्ट जितना मर्जी करो, जितना मर्जी टेस्ट करो, टेस्ट के कोई चार्जेस नहीं है। अगर टेस्ट करोगे तो कुछ लेके जाओगे। जीरा है, ये एक बारी खा लो और हाजमा जो मर्जी खाओ। अमृतसर आते हो, अमृतसर आते हो, यहाँ पे हर एक चीज जो है हैवी मिलेगी। आलू के कुलचे मिलेंगे, पूड़ियाँ मिलेंगी, साथ में लौंजी मिलेगी, ठीक है जी, पेड़े वाली लस्सी मिलेगी। और डाइजेस्ट करने के लिए इसको, इस सब को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे काउंटर पे आपको अनारदाना चूरन जैसी चीजें मिलेंगी। मतलब कुलचे खाओ, पूड़ियाँ खाओ, कुलचे खाओ, लुभाया राम पे, उसके बाद लुभाया राम पे पास नीरा मक्खन खाओ और इधर आ जाओ। मैं तो 5 साल से सर, ये जो है ये आम पापड़ का पेड़ है, ठीक है, ठीक है जी, ये खट्टा मीठा होता है। ये हमारी चाट की सारी प्रिपरेशन मैं आपको बताने लगा। ये आम पापड़ का पेड़ा आएगा, मीठा आम पापड़ आएगा, ये किंग ऑफ आम पापड़, सूखा आम पापड़, सूखा आम पापड़, ठीक है जी। ये इमली का पेड़ा आएगा, हमारा स्पेशल जो प्योर इमली होती है सीड वाली, उसका ये पेड़ा है। अच्छा, इसमें सीड भी, इसमें सीड भी होंगे। ये सर आम पापड़ की चटोरी, जो चटोरे लोग हैं वो आम पापड़ की चटोरी खाते हैं, जिनको खट्टा पसंद है। ये सर
ये खट्टा आम पापड़, ये खट्टा आम पापड़ जो हमारा नॉर्मल मिलता है। आ जाइए अब आपको प्रिपरेशन बताते हैं। हम लोग यहाँ पे क्योंकि बहुत फेमस है आम पापड़ और लीची चाट, अब वो बनाने लगे हैं। इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए क्या क्या जाता है इसमें, अब तैयारी करते हैं। ये भी सारे आम पापड़ के बाउल में अंदर है। टोटल छह चीजें जाती हैं। अच्छा ये इसमें जाएंगे कुछ मसाले और ये चाट मसाला टाइप है। ये सर सारे जो नॉर्मल गरम मसाला जो हमारा खुद तैयार करते हैं ओके, ये वो है। साथ में जो अलग अलग मसाले हैं ठीक है, नमक है, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक आ गया, ओनली ब्लैक सॉल्ट वी यूज, ओनली ब्लैक सॉल्ट। अगर आपको मिर्ची यूज करना है तो आप थोड़ी सी डलवा सकते हैं ठीक है, तो थोड़ी सी खट्टी मीठी और स्पाइसी मजा आएगा इसका। उसके बाद हम थोड़ा सा नींबू डालेगा जी, लेमन के साथ फ्लेवर करेंगे ठीक है। चाट तो आपने आज तक बहुत तरह की खाई होगी, पापड़ी चाट वगैरह ये वो, लेकिन ये अलग ही मुख्तलिफ किस्म की चाट है। अच्छा ये क्या है जी? ये जो हमारी पुदीने की चटनी जो है ये स्पेशली तैयार करते हैं रोज आकर ओके, और ये जो जायका देती है चाट को वो लाजवाब हो जाता है। अच्छा जी हाँ जी हाँ जी, ये चाट के अंदर जाएगा, इसको मिक्स किया जाएगा, इसको मिक्स किया जाएगा। तो लीजिए जनाब ये हो गई हमारी आम पापड़ वाली चाट तैयार। तो लुभाया राम पे वैसे तो मैंने आदित्य को बताया मैं बचपन से आ रहा हूँ, आम पापड़ मैंने इनके यहाँ बहुत खाए हैं, पर ये जो चीज़ है ना ये मैं पहली बार खा रही हूँ। तो और साथ में एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो इनकी रेड़ी लगती थी वो बीबी के डीएवी कॉलेज के बाहर लगती थी। हाँ जी हाँ जी, बीबी के डी ए वी इनको बड़ा फायदा मिलता था। गर्ल्स की स्पेशल आइटम है ये, इसका जायका थोड़ा खट्टा है, थोड़ा मीठा टेस्ट करना है यू नो। ये जो चाट है कि आम पापड़ है इट्स फेमस थ्रू आउट ऑल द एजेस, इवन विमेन बच्चे छोटे सब इनके पास आते हैं ये गजब की चाट खाने। ये लाजवाब है यार, ये कमाल है, इंतहाई मज़ेदार है, ये चीज़ आप मिस नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी कुलचे पूड़ियाँ लस्सी यू नो अमृतसर के सारे जायके खा लो, लेकिन ये एक जायका आपके लिए इसमें ज़रूर होना चाहिए। अव्वल नंबर यार, मजा आ गया। बस ये बाबा जी की मेहर है, बस कुछ थोड़ा सा टेस्ट दिया उन्होंने, एक छोटा सा स्वाद जो हम सबको बांट रहे हैं, जैसे अमृत होता है। अमृत भाई उन्होंने बोलने वाला था, अमृत सर है, अमृत तो हर जगह है ही यार इनके खजानों में। ये सर मिक्स का बॉक्स है, इसमें हम 7 वेराइटीज देते हैं जो हमारी स्पेशल है। अनारदाना बोली हाजमे के लिए, ये इमली का पेड़ा आएगा, फिर उसके बाद आम पापड़ का पेड़ा आएगा, चटोरी जो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, और ये काला आम पापड़ और ये ड्राई आम पापड़, साथ में मीठा आम पापड़ ठीक है। इसमें 5 तरह के आम पापड़ के फ्लेवर्स हैं, और एक अनारदाना चूरन की गोली, और जो इमली का पेड़ा वो खट्टा मीठा लाजवाब है। अच्छा यहाँ पे ना ये भाई साहब हैं, ही इज फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली, और ये बहुत चटकारे लेके आम पापड़ खा रहे थे, तो कैसे लगा आपको आम पापड़? ऑल गुड, काफी डिफरेंट टेस्ट है एंड यू हैव वैरायटी। तो ऐसा आम पापड़ या ऐसी चाट आपने कहीं और खाई है? नहीं कभी नहीं खाई। सो इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड, आप लोग भी कभी भी अमृतसर आए तो लुभाया राम पे जरूर आए। और हम पिछले 10 साल से आ रहे हैं तो वी कम हियर ओनली, दैट्स रियली नाइस। तो देखा ये जेन्युइन रिव्यू है यार। ये सर अनारदाना का चूरन है, हमारा बहुत स्पेशल चूरन है ये। ये जो चूरन है डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ठीक है। ये थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए, हाजमे के लिए सबसे बढ़िया है। ये किस चीज़ से बनता है? ये अनारदाना, जीरा, अजवाइन, सब जो हमारे सीक्रेट मसाले हैं ना ये उससे बनता है। यार इसको हाथ से टेस्ट करते हैं, हाथ से करो, हाथ से और भी ज़्यादा जायका आएगा। वही ना उंगलियों में अपना जो जायका है। वाकई यार इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं ये मैं बता सकता हूँ, कुकिंग तो मैं भी कर लेता हूँ।
बहुत सारी चीज़ें, इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 तरह की इंग्रेडिएंट्स हैं, 18 तरह के तो मसाले हैं इसमें, 18 अनबिलीवेबल। दिस इज आल्सो मस्ट प्राइटाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। कई मसाले ठंडे होते हैं, कई मसाले गर्म होते हैं, मेजरमेंट के साथ इसको बनाया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, और ये आपके शरीर को हार्म भी नहीं करता, और 4 साल इसको आप रख सकते हो रेफ्रिजरेशन में, 4 साल रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता क्योंकि ये ओरिजिनल चीज़ है। और ये ज़्यादा खाने से कोई वो प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपने मुझे दिया, जितना मैं आपको दिया है ना, खाना खाने के बाद उतना खाओ, ठीक है, रोज़ खाओ। ये आम बाबा टांगी और स्वीट है, और ये मुझे और ये बहुत स्वीट भी है, बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट होने के साथ भी ये 4 साल भी चलता है। आप भी बहुत स्वीट है यार, बोल रहे हैं आप भी बहुत स्वीट हो। व्हाट्स योर एज? 9। एंड व्हाट्स योर नेम? आदित्य। आदित्य, अरे वाह, चलो, ही इज अ वेरी गुड किड, या वेरी स्वीट किड। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है और हमारी शॉप का नाम लुभायाराम है, लुभायाराम आम पापड़ शॉप के नाम से हमारी फेमस है, और ये काम हमारा कम से कम नहीं तो 55-60 साल से हम ये काम कर रहे हैं, जिसमें हम अपने कस्टमर को अलग अलग टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है। हमारा अमृतसर जो है वो एक टूरिस्ट हब है, तो यहाँ पर अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, घूमने आते हैं, गुरु रामदास जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे पहले काम तो वही होता है, उसके बाद फिर वो देखते हैं कि यहाँ खाना पीना कौन सा है, खाना कैसा है, नाश्ता कैसा है, लंच कैसा है, डिनर कैसा है, तो फिर लास्ट पे हमारे पास भी आते हैं कि यहाँ पचाना कैसा है, तो फिर उसके लिए डाइजेशन के लिए हमारे पास अलग अलग आइटम्स होती हैं, किसी को आम पापड़ खिलाते हैं, किसी को इमली खिलाते हैं, किसी को चूरन खिलाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अमृतसर में जो भी घूमने के लिए आता है तो प्लीज़ आप यहाँ पे भी विज़िट करो, देखो कि आपको टेस्ट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो बताना, अगर कोई कमी है तो वो भी बताना। थैंक यू सो मच। अब कॉन्शियस ये हमारी सबसे बढ़िया स्पेशलिटी है जी, ये देखो, ये है अनारदाने का चूरन, जो डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ये टेस्ट कीजिए। जॉन भैया एक चम्मच और दे दो। तो यहाँ पे आम पापड़ का बुफे लगा हुआ है और ही सब लोग यहाँ पे बारी बारी ट्राई कर रहे हैं। सो हाउ इज द टेस्ट? परफेक्ट, ऑसम, जबरदस्त। मैंने एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन से मैडम एक्सप्रेशन के साथ रिव्यू भी हो गया। अच्छा, हाँ।